आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, हमारी प्रमुख सचिव रश्मि जी, जयश्री जी और मेरे सामने बैठे हुए सभी शिक्षकगण, अध्यापकगण, आज शिक्षक दिवस पर मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं। आज देश के महान शिक्षक, उद्भट विद्वान और भारतीय संस्कृति परंपराएं जीवन मूल्यों को जानने वाले पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चरणों में भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। कोरोना काल के कारण आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन बचपन से भारत में तो हमें सिखाया गया है, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश सब गुरु है। हमारे यहां कहा गया, गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गोविंद से ऊपर अगर महत्ता है तो वह गुरु की महत्ता है। और मैं तो स्वयं उदाहरण हूं, हम लोग तो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, इंदर सिंह जी भी वहीं से हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए लोग हैं, कोई प्राइवेट और पब्लिक स्कूलों में नहीं पढ़ा हमने। लेकिन हमारे प्राथमिक शाला के जो गुरु हैं अभी भी, मेरे रतन स्वर्ग श्री श्रद्धेय रतनचंद जैन जी, मुझे आज भी याद है, जो पहली दूसरी तीसरी और चौथी में उनने जो मुझे शिक्षा दी उसी ने मेरी जिंदगी को बनाया, जीवन को सही दिशा दी। उस समय मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि इस कार्यक्रम का प्रसारण टीवी चैनल्स के माध्यम से भी, फेसबुक इत्यादि पर भी हो रहा है, मैं बच्चों को बताना चाहता हूं, पांच मिनट के बाद, एक मिनट बता दे, कार्यक्रम चल रहा है अभी, तुरंत करता हूं मैं, अब भी करता हूं। तो जो शिक्षा उनने दी, हम जब स्कूल जाते थे तो सबसे पहले गुरुजी के चरणों में माथा रख के कहते थे प्रणाम गुरुजी, और वो उतने स्नेह से और प्रेम से हमको शिक्षा प्रदान किया करते थे, और उसमें नैतिक शिक्षा का बड़ा हाथ होता था। सदैव माता पिता गुरु का आदर करना, क्या करना क्या ना करना, ये हमको सिखाया जाता था, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। हमारे यहां कहा गया कि वास्तव में शिक्षा के, विद्या के तीन उद्देश्य हैं, ज्ञान देना, कौशल देना और रोज नागरिकता के संस्कार देना। और मुझे खुशी है कि शासकीय स्कूलों के हमारे शिक्षक भी, बहुत जगह तो अनेकों आदर्श उपस्थित किए उनने, हमारे 10वीं का 12वीं का जो रिजल्ट है उसमें प्राइवेट विद्यालयों से अच्छा हमारे शासकीय विद्यालयों का आया है, इसके लिए भी मैं उन्हें बधाई देता हूं। शिक्षक दिवस की भी शुभकामनाएं। इस समय शिक्षा के प्रति अपना तन मन और जीवन समर्पित करने वाले प्रदेश के सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर, जिन्हें राष्ट्रीय सम्मान राष्ट्रपति पुरस्कार के रूप में
और राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त हुआ है, उन सभी को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। एक समय था जब शिक्षा की सारी व्यवस्था चौपट थी, गुरुजी, समुदाय शिक्षक, शिक्षा कर्मी के नाम पर शिक्षा को बांट दिया गया था। हम लोगों ने कोशिश की उस शिक्षा की व्यवस्था को भी ठीक करें, शिक्षा संवर्ग का संविलियन करके फिर से गठन करें और हमारे शासकीय शिक्षकों के खोए हुए सम्मान को हम वापस दिलाने की कोशिश करें, और वो काफ़ी अर्थों में हम लोग कर पाए हैं। मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि कोरोना काल में सर्वाधिक प्रभावित हुई शिक्षा, आज भी हम विद्यालय खोल नहीं पाए, लेकिन ऐसे समय हमारे शिक्षकों ने हार नहीं मानी। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम मध्य प्रदेश में अभिनव कार्यक्रम है, जहां घर घर भी हमारे शिक्षकों ने बच्चों को जाकर शिक्षा देने का, शिक्षा सुलभ कराने का अभिनंदनीय कार्य किया है। ऑनलाइन शिक्षा के रूप में भी स्कूलों में भी और कॉलेजेज में भी बहुत उल्लेखनीय प्रयास किए गए, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति आई, उस शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए, मध्य प्रदेश में सबसे पहले क्रियान्वयन के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, और उसकी कई चीजों को मध्य प्रदेश में हम लागू करेंगे आगामी 3 वर्ष में। जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का हमने लक्ष्य बनाया है, उसमें शिक्षा जो हमारे जीवन के निर्माण का काम करती है बच्चों के, उस शिक्षा को हम कैसे ठीक ढंग से दे पाएंगे, इसका रोड मैप भी हमने तैयार किया है। वो रोड मैप विस्तार से आपके पास आएगा। नई शिक्षा नीति में विशेषकर व्यावसायिक शिक्षा भी, जो 6वीं की क्लास से ही देना है, उस पर भी हम विशेष ध्यान देंगे। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि एक ऐसा टैलेंट पूल हम बना सकें जो भविष्य में मध्य प्रदेश में रहकर भी आने वाली पीढ़ियों का विकास कर सके। हमारे विद्यालयों के बारे में भी हम बहुत गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं, क्या हम ऐसे विद्यालय प्रारंभ करें 10-12-15-20 गांवों के बीच में, जहां सारी बेहतर सुविधाएं हम दे पाए, अच्छे भवन, लैब, लाइब्रेरी, पर्याप्त मात्रा में शिक्षक, भले बस से हमको बच्चों को लाना पड़े, हम लाएं भी और उनको छोड़ के भी आए, उस दिशा में भी हम प्रयासरत हैं। संगीत, नृत्य, योग, भारतीय संस्कार, इनकी शिक्षा देना भी हमारा लक्ष्य है। और तकनीकी ज्ञान हासिल करने वाले हमारे बच्चे, उनका 100% प्लेसमेंट सुनिश्चित हो पाए, इसकी तरफ भी हम ध्यान देंगे। बेरोजगारी दूर करना हमारा एक बड़ा लक्ष्य है, और इस सब में, क्योंकि शिक्षा जगत में वास्तव में अभी सुधार की असीम संभावनाएं, हमारी कोशिश है 3 सालों में हम एक तरफ शिक्षकों का मान सम्मान सुनिश्चित करते हुए भावी पीढ़ी का भविष्य गढ़ने के काम में वो निश्चिंत होकर लग सकें, इस दिशा में काम करते हुए हम शिक्षा के क्षेत्र का नक्शा बदलेंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी शिक्षकों का शोषण ना हो, यह भी हमारा लक्ष्य रहेगा, लेकिन साथ में अनाप शनाप फीस भी ना वसूलें। इसलिए जल्दी हम एक्ट लेके आने वाले हैं, कानून लेके आने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सके, ये भी हमारी कोशिश रहेगी। शिक्षकों को बेहतर, जो उनका हक और अधिकार है प्राइवेट सेक्टर के, वो भी मिल सके, और ऊटपटांग फीस वसूल ना की जा सके, इस क्षेत्र में भी हम कानून बनाने वाले हैं, जिसकी चर्चा हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी की है। काम बहुत करना है, लेकिन आज तो ये प्रतीकात्मक कार्यक्रम है, हमको मिलके बेहतर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा की व्यवस्था को और बेहतर ढंग से लागू करने का काम करना है। मुझे जरूरी लगा शिक्षा मंत्री जी के साथ आपको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दूं।
इसलिए आज ऑनलाइन ये कार्यक्रम आयोजित किया है, बाद में फिर प्रत्यक्ष भी मिलेंगे। एक बार फिर आप सबका अभिनंदन, आप सबको शुभकामनाएं और आप सबको बहुत बहुत बधाई, प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, आज इतना।